डाक बंगला रोड स्थित बालाजी सुपरमार्केट का उद्घाटन नित्यानंद राय ने अपने हाथों से किया। इस अवसर पर आए हुए उपस्थिति का उन्होंने अभिवादन भी किया। लोगों ने भी नित्यानंद राय के स्वागत में उन्हें माल्यार्पण किया, माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सुपरमार्केट के आयोजक उमेश राय ने उन्हें बुके और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर माननीय महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन, अवधेश सिंह, वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल को भी अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने वहाँ पे दूसरे विंग का उद्घाटन करते हुए उन्होंने केक काटे और वहाँ मौजूद लोग केक खिलाए। लोगों ने भी उन्हें केक खिलाकर उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर कई विभागों का उद्घाटन करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि ये सुपरमार्केट है और यहाँ पे सभी चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। इस अवसर पर महुआ विधायक ने भी केक काटकर लोगों को खिलाया और उनको अभिवादन किया। साथ में हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पूरे मॉल का निरीक्षण करते हुए तमाम उपस्थित नेताओं से मिले और उनका अभिवादन किया। सुपरमार्केट के मालिक उमेश राय ने पूरे मॉल को घुमाते हुए नित्यानंद राय से कई लोगों से मिलवाया। इस अवसर पर जदयू नेता पंछीलाल राय भी उपस्थित हुए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नित्यानंद राय ने क्या कहा, आपको सुनिए। आज जिस उद्घाटन कार्यक्रम में आए हैं उमेश जी, हमारे पुराने मित्र हैं, हाजीपुर शहर के समाजसेवी हैं और इन्होंने एक शहर को बड़ा प्रतिष्ठान दिया है जिसकी यहाँ आवश्यकता थी। यह प्रतिष्ठान फले फूले, मैं इसके लिए शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद। 2019 और 2025 उसका परिणाम ऐसा आने वाला है एनडीए के पक्ष में कि विपक्ष को अपने ही अंदाज में उसको लगेगा कि बिहार की जनता उसको किस प्रकार से रिजेक्ट कर सकती है। तेजस्वी जी, पिछले चुनाव में दो दिन के लिए उनको लगा था कि मुझको सरकार बन रही थी और जिस प्रकार से आरजेडी के लोगों ने दो दिन में जो पूरे बिहार में आतंक का माहौल बनाया, 15 वर्षों की उस यादों को फिर पिछले 2020 के चुनाव में बिहार को याद दिला दिया कि हमारा स्वभाव क्या है। हम वंशवादी पार्टी में हैं, हम वंशवादी पार्टी के से आगे हम जा नहीं सकते हैं और विकास उनकी नियत भी नहीं है। सिर्फ अपने परिवार के लिए सत्ता संभालने के लिए सारे समाज को तोड़कर सत्ता में बरकरार रखने का उनका इतिहास है। कुल अधीर रंजन चौधरी जी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के विषय में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किए हैं उसके लिए जितना उसको भर्त्सना की जाए कम होगा। एक महिला, वह भी अनुसूचित जनजाति समाज की महिला, जिसके जीवन के उदाहरणों से पूरा देश आज प्रेरणा ले रहा है, गरीब परिवार की महिला, और वह उस राष्ट्रपति जब वह बन गई तो कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को पच नहीं रहा है। विपक्ष जानती है कि यह महान कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जेपी नड्डा जी और एनडीए के नेताओं के द्वारा जिस समय उनको उम्मीदवार बनाया गया था उस समय ही उन लोगों को लग रहा था, उम्मीदवार की बात मैं कर रहा, बनाया गया था उस समय भी विपक्ष को लगने रहा था कि उसकी धरती हिल गई है, पैर उसके कांपने लगे हैं।